टमाटर कैसे दे रहे हो? टमाटर 30 रुपए किलो। अरे अभी 15 रुपए किलो सुबह आया था, तो हमें क्या मालूम था कि तुम 30 रुपए किलो दोगे टमाटर? अगर आदमी है 30 रुपए सुबेरे 15 रुपए किलो आया था टमाटर। हाँ बैगन कर दिया वजन है भैया? हाँ बैगन दिया। एक चढ़ा खाली बस? अच्छा लाओ बस मिर्चा डाल दो 10 रुपए का उसी में। 10 रुपए का दे दो। अरे बहुत अच्छा है मालूम है, ऐसे ही टमाटर वो भी था सुबह में जो आया था। नहीं एक किलो क्या करेंगे, नहीं रहने दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो सुबह का वक्त है और नाश्ते का दिल कर रहा है, चाय वगैरह हो चुकी है, 9:30 बज रहे हैं, तो सोचा चलो कुछ फटाफट से बना लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो यहाँ पर हम आपको एक रेसिपी दे रहे हैं जो है चीज़ पोटैटो पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर जो है धनिया, हरी मिर्ची और काली मिर्च, चाट मसाला, नमक और थोड़ा सा हर्ब्स यानी पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह आप ले सकते हैं, मैदा है, आलू है, और इन सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना। ये बहुत इजी रेसिपी है, इसे आप नाश्ते में जो है या बच्चों को आपकी भूख लगे तो आप इसको बना सकते हैं। और वैसे भी आलू जो होता है वो सबका जो है पसंदीदा होता है। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे, और ये क्लिप काफ़ी दिन पहले की है यानी 15 दिन पहले की, लेकिन ये कहीं खो गई थी, मिल नहीं रही थी। तो जैसे ही मुझे मिली मैंने सोचा कि फटाफट से ये रेसिपी जो है आप सबके साथ शेयर कर दिया जाए। और आप सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और आज तो रिपब्लिक डे है और आप सबको बहुत बहुत जो है 26 जनवरी की ढेरों मुबारकबाद। और आप यहाँ पर जो रेसिपी है ये आप लाजमी ट्राई करिएगा, ये आपको भी पसंद आएगी और आलू तो सभी को पसंद होते हैं। तो देखिए बातों बातों में हमारा जितना भी जो है इंग्रेडिएंट्स था सारा हमने पोटैटो मिला दिया है, और यहाँ पर जो मैदा है तो वो अच्छे से आलूओं में और मसाले वगैरह जो है मिक्स हो जाएँ, चिपक जाएँ। तो यहाँ पर हमने पानी की कुछ छींटे जो है मैदे के ऊपर जो है स्प्रिंकल कर दिया है। तो बस ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब आप समझ लीजिए ये रेसिपी जो है हाफ से भी ज़्यादा डन हो चुकी है, बस आपको इसे कुक करना है। तो चलिए फटाफट से फ्राई पैन चढ़ाते हैं, आपके पास जो भी नॉन स्टिक बर्तन हो आपने उसमें ये बनाना है। तो यहाँ पर ऑयल जैसे ही हमारा हो गया माजरत, जैसे ही हमारा ऑयल हो गया बस उसके ऊपर जितने भी ये आलू की कतलियाँ हैं जिनके ऊपर सारा मसाला और मैदा कोट हो चुका है उसे हमें तेल में अच्छे से बिछा देना है। और उसके बाद देखिए ये चीज़ है, तो आप सब सोच रहे होंगे इन्होंने तो कहा पोटैटो चीज़ पिज़्ज़ा, तो चीज़ तो गायब है नहीं जनाब। अब ये आप ये आलू की तह बिछा लेंगे एक इसी तरह से, तो उसके ऊपर से आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो तो आप जो है वो डाल लीजिएगा। मेरे पास स्लाइस चीज़ था तो हमने जो है इसी का इस्तेमाल किया, मोज़रेला भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इस तरह से चीज़ हमें जो है बिछा देना है आलूओं के तह के ऊपर। अब उसके बाद से हमें फिर जो है एक लेयर जो है आलूओं की इसके ऊपर से लाजमी लगानी है, ताकि जो है ये बहुत ही खूबसूरत सा बनकर तैयार हो जाए और मज़ेदार लजीज भी। तो बस सारी जिस तरह से आपने नीचे जो है पूरे आलूओं की तह तैयार की है उसी तरह से ये तह भी आपको तैयार करनी है चीज़ के ऊपर से भी। और इसे आपको जो है सिम करके यानी कि धीमी आंच पर बिल्कुल पकाना है। तो बस इस तरह से इसको तैयार कर लेना है। ये बहुत जल्दी से हमें लगता है 10 से 12 मिनट में क्विक रेसिपी है, नाश्ता है। प्लीज़ पीछे की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, ये सुबह का वक्त है तो सब्ज़ी वाले भैया आवाज़ लगा रहे हैं। तो जो अभी आपने शुरू में क्लिप देखी है ये उन्हीं की आवाज़ है। खैर तो एक तरफ से हमारा पिज़्ज़ा हो चुका है, और इसे पलटने के लिए किसी स्पून की हेल्प हमें नहीं लेनी है, बस आपको ये प्लेट ऐसे लगानी है और इसे आपको ऐसे फ्लिप कर लेना है पलट करके। फिर दूसरी तह भी इसी तरह से आपको फ्राई पैन पे बिछा देना है,
और दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से कुक कर लेना है। बस हमारा पिज्ज़ा तैयार है। नाश्ते के बाद से फिर मुझे जाना था लखनऊ, तो ये जो है पॉलिटेक्निक के पास जो हाई कोर्ट है वहाँ हम आ गए। आपसे मैंने ब्लॉग में एक जिक्र किया था कि मुझे थोड़ा सा काम है, जाना है, तो जिन लोगों ने वो ब्लॉग पूरा देखा होगा तो उन्हें लाजमी याद आ गया होगा। तो यहाँ पर इतनी शदीद भीड़ थी, लेकिन खैर मेरा काम यहाँ नहीं हुआ, आना ही बेकार हुआ, तो बस मेरे हाथ में आया आना और जाना। तो मैंने सोचा कि चलो आए हैं तो थोड़ी सी क्लिप यहाँ की भी ऐड कर लें। ये न्यू हाई कोर्ट है जो पहले कैसरबाग के पास हुआ करता था, तो काफ़ी रश था, काफ़ी रश था, और काफ़ी दूर हमें पैदल चलना पड़ा क्योंकि इधर जो है कोई साधन मिलता नहीं है। आप ऑटो से उतरो और फिर उसके बाद जो है मुझे गेट नंबर 9 पे आना था। तो वहाँ से निकलने के बाद से हम आ गए और जो है क्या कहते हैं अब घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। अक्सर हम जो है बाराबंकी से लखनऊ का जो सफ़र है वो ऑटो और ई रिक्शा के ज़रिए ही करते हैं, बिकॉज़ मुझे वॉमिटिंग होने लगती है बस के ऊपर। तो इसके अंदर कुछ लड़कियां बैठी थी जो आपस में बातें कर रही थी, उनकी बातें इतनी जो है मज़े की थी कि जो है हमें भी सुनकर मज़ा आए, फिर हम भी उनकी गुफ्तगू में जो है शिरकत कर गए। तो जहाँ पर अच्छी बातें होती हैं और साथ में अच्छे लोग बैठे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जो है क्या कहते हैं आपको जो है अच्छा लगने लगता है, सफ़र आसान हो जाता है। और ये सब प्यारी प्यारी बच्चियाँ थी, काफ़ी छोटी थी, जितने बड़े हमारे बच्चे हैं उतनी ही बड़ी ये बच्चियाँ थी। तो इनसे बातें गपशप करने में जो है क्या कहते हैं अच्छा लगा। और वैसे भी मेरी आदत है जो है जिस उम्र के लोग हमारे साथ होते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, बूढ़े के साथ बूढ़े बन जाओ, और अपने अगर हम उम्र हैं तो उनके साथ अपने जैसा बन जाओ, यानी उनके जैसा अपने जैसा ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब बहुत मज़े की बातें कर रही थी। तो जो है हम जब बैठे थे तो ये लोगों ने बहुत तफरी ली, क्योंकि जब भैया जी को एक सवारी बैठानी थी तो उन्होंने कहा आंटी आप उधर चले जाओ, जबकि वो मेरे पापा जी के इसके थे। तो हमने कहा कि ठीक है भैया आप आंटी बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है, रिस्पेक्ट देने से मतलब होता है। तो ये लड़कियां हंसने लगीं कि अभी जो है क्या कहते हैं हम लोग के साथ भी यही हुआ। तो हमने कहा ज़माना ख़राब, बेचारा है, हर इंसान बचना चाहता है। चलो भैया जी ने जो है क्या कहते हैं आंटी बना लिया, कोई बात नहीं है। तो बस यही सारी बातें होती रहीं और हम ये सब बहुत जो है क्या कहते हैं मज़े की बातें कर रही थी जैसा हमने बताया। तो हमने जो है क्या कहते हैं ओरिजिनल वॉइस इसलिए नहीं रखी क्योंकि इतना ज़्यादा शोर हॉर्न का, गाड़ियों का, तो फिर जो है उनकी कुछ आवाज़ें आ रही थी, कुछ कट जा रही थी और कुछ रिकॉर्ड हुई कुछ नहीं। तो फिर इसीलिए हमने जो है कहा चलो यहाँ पर वॉइस ओवर कर लेते हैं और आप सबके साथ जो है शेयर कर देंगे। आज जो है बहुत याद आ रही है स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की, कि जब रिपब्लिक डे हुआ करता था या 15 अगस्त हुआ करता था, ऐसा कोई भी जो नेशनल फेस्टिवल होता था तो हम सब कितना इंजॉय करते थे। मुझे आज एक किस्सा है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि 26 जनवरी का प्रोग्राम होना था, मतलब था हमारे स्कूल में। और आपको एक किस्सा सुनाऊं कि मुझे हरी चूड़ियाँ चाहिए थी, हरा रिबन चाहिए था, और मैंने एक डांस कंपटीशन में जो है पार्टिसिपेट किया था। तो उस डांस कंपटीशन में मुझे हरी चूड़ियाँ नहीं मिल रही थी और वो दिन संडे का दिन था और मेरी मम्मी कहीं बिज़ी थी, वो मेरी चूड़ियाँ नहीं ला पाई थी। और हम लोग टेम्पो से बैठ करके 25 जनवरी को हम लोग जो है बहुत दूर दूर तक की जो है ढूंढने गए, लेकिन हरी चूड़ियाँ जो है नहीं मिली। और ढूंढते ढूंढते हम लोग थक गए, हम बहुत रोने लगे। तो मम्मी गुस्सा होने लगी, एक चूड़ियों के लिए इतनी जान दे रही हो। और मुझे जो है डांस करने का इतना शौक़ था कि स्कूल में जो है क्या कहते मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना था। मैम ने कहा हरी चूड़ियाँ पहन के आना ही आना है। खैर अल्लाह अल्लाह करके मुझे किसी तरह से जो है ऊपर वाले ने जो है क्या कहते हैं समझ लीजिए मेरा रोना देख के, और उस वक्त मेरी उम्र जो है सिर्फ जो है 8 या 10 साल की रही होगी, तो मुझे वो चूड़ियाँ हासिल हो गई और ग्रीन रिबन भी मिल गया।
और उसके बाद हम इतना खुश हुए, लगा कि सारे जहान की खुशियाँ मिल गईं। और वो 26 जनवरी के या 15 अगस्त के जो लड्डू हुआ करते थे वो कितने स्पेशल होते थे यार। अब तो वो लड्डू ही कहीं खो गया, वो जायका ही कहीं खो गया। अब तो पहले वो मोटी मोटी बूंदियों के लड्डू हुआ करते थे जो इतने यम्मी होते थे, इतने लजीज होते थे, खा के जो है मज़ा ही आ जाता था, क्या बताएं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत मज़ा आता था। और अब की तो बेचारे बच्चे कोरोना की वजह से जो स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चे कितना मिस कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा। जब हम मिस कर रहे हैं इस एज में आकर के, जब भी ये दिन आते हैं तो मुझे आँख में, हम वॉइस ओवर कर रहे हैं लेकिन मेरे आँखों में आंसू है इस बात, इस स्टोरी को सुनाते हुए। उस वक्त की जो फीलिंग थी शायद हम लफ्ज़ों में भी नहीं बयान कर सकते हैं, उस चीज़ को सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं, तो क्या बताया जा सके। आज हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, इतने सारे सब्ज़ी वाले भैया आ रहे हैं कि हम बता नहीं सकते, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो बात ही बात में हम घर पहुंच चुके थे, और उसके बाद थोड़ी बहुत थकान उतरने के बाद से शाम में कहा चलो जो है, बहुत दिनों से टल रहा है पापा जी के लिए जो है इम्यूनिटी बूस्टर वाला लड्डू जो हमें बनाना था। तो सारी जो है ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये सारी चीज़ें जो थी हम बाज़ार से लाके पहले ही से रखे हुए थे। तो यहाँ पर काजू, बादाम, ताल मखाना, खसखस, नारियल, गोंद, और जो घर का गेहूं का आटा होता है वो, और गोंद, ये सारी चीज़ें थी, किशमिश और चिरौंजी, सारी चीज़ें। तो सारी चीज़ों को जो है हमने घी डाल करके जो है अच्छे से फ्राई कर लिया है। और यकीन मानिए अगर आप सवेरे नहार मूड करके एक लड्डू ये खा लेते हैं तो जैसा भी आपका कमर का दर्द हो, हड्डियों या मसल्स का भी दर्द हो, तो वो जाता रहता है। तो ये लड्डू जो है हम गुड़ में बनाने वाले हैं क्योंकि हमें भी शुगर है, हम अपने लिए तो बना नहीं रहे, हमने सिर्फ इसमें से एक लड्डू ज़िया ने खाया था, एक लड्डू हमने खाया था। तो ये मम्मी और पापा के लिए है। और बुढ़ापा तो वैसे भी अपने आप में एक बीमारी होती है, बुढ़ापे का दूसरा नाम बीमारी होती है, कमज़ोरी होती है। तो इस एज में आकर के जो है क्या कहते हैं, ताकत की बहुत ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो है हम जो है उन्हीं लोगों के लिए लड्डू मम्मी पापा के लिए तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है हमने फ्राई कर ली हैं, और उसके बाद जो है घर में ज़िया नहीं थे तो फिर हमने उनको फ़ोन किया कि आप आओ यहाँ पर, आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़े, क्योंकि लड्डू बहुत सारे थे। और वैसे भी ये सारी चीज़ें जो है क्या कहते हैं, बहुत सारी हो जाती हैं जब आप इसे भून करके ग्राइंड कर लेते हो ना, तो ये बहुत सारा हो जाता है, फिर लड्डू बांधने में भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हमने तिल भी डाला था। तो ये लड्डू आप ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर से ज़रूर। यहाँ पर सारी चीज़ों का मेज़रमेंट जो है हमने बराबर रखा है, और इसके अंदर हमने मेथी डाली है, लेकिन आपको मेथी बहुत कम डालनी है, यानी आप मान के चलिए सिर्फ जो है आधा कप, जो चाय का छोटा वाला कप होता है वो, और खसखस भी हमने आधा कप डाला है, एक कप हमने तिल डाला है, एक कप काजू है, एक कप बादाम है, एक कप अलसी भी हमने डाली है। अलसी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, अलसी में ओमेगा 3 होता है, और जब भी विंटर्स आए तो आप अलसी वगैरह का इस्तेमाल ज़रूर करें। और वैसे भी ये जो लड्डू है आप गर्मी में भी खा सकते हैं, जाड़ो बरसात, कोई इसका मतलब मौसम जो है मुकर्रर नहीं है। और ये देखिए ये मेथी है, तो ये आपको घी में, अलसी को और मेथी को, खसखस को, तिल को आपको घी में नहीं भूनना है, बाकी और सारी चीज़ें आपको जो है थोड़ा थोड़ा देसी घी डाल करके भून लेना है। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ये नारियल रखा हुआ है, और सारी चीज़ों को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और यकीन मानिए ये लड्डू बहुत ही मतलब खाने में तो अच्छे होते ही होते हैं, और थोड़ी सी मेथी की वजह से हल्की सी जो है क्या कहते हैं बिटरनेस होती है, लेकिन देखिए हर चीज़ में इंसान जो है जायका नहीं ढूंढता है। तो बस जो है क्या कहते हैं हमने जो है सारी चीज़ों को हल्का रोस्ट जो है करने के बाद से दरदरा सा ग्राइंड कर लिया था। आपको जो है यहाँ पर तकरीबन आधा किलो से ऊपर जो है, हाँ आधा किलो आटा हमने ले लिया है, मान के चलिए 600 ग्राम के करीब होगा, 600 ग्राम, हाँ 600 ग्राम आटा होगा। और हमने आधा ही बनाया था क्योंकि आधे आटे में ही जो है जो हमने मेवा वगैरह ड्राई रोस्ट करके रखा ग्राइंड करके, तो आधा हमने रख दिया। जब ये आधे लड्डू इन लोगों के ख़त्म हो जाएंगे फिर गुड़ का पाक बना करके फिर बना कर दे देंगे। तो हमने कहा ना कि सारी चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं ग्राइंड करने पर, तो देसी घी डाला, उसके अंदर इलायची डाला खोल करके 4, और उसके बाद इसमें आटा डाल दिया है, और आटे को भी हमें अच्छे से जो है गोल्डन होने तक की, इसको अच्छे से खुशबू आने तक भून लेना है। और यहाँ पर हमने आधा किलो गुड़ ले लिया है और उसको जो है रख दिया है पाक बनने के लिए, यानी उसकी गल जाए गुड़ तब तक की।
और ये देखिए सारी चीज़ें हम धीरे धीरे ग्राइंड कर लेंगे। आप इसके अंदर छुहारे वगैरह भी डाल सकते हैं, छुहारा हमने नहीं डाला है तो, और सारी चीज़ें इसके अंदर हम डाल दी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हो गई थी। और ये जो है जनाब आ गए हैं मेरी हेल्प करने से, एक कॉल की तो बेटा मेरा हाजिर है और उसने सारी चीज़ें ग्राइंड की, लड्डू भी जो है उसने बनवा दिए। तो क्या हुआ, मेरे पास बेटी नहीं है लेकिन मेरा बेटा तो है ना माशाल्लाह से, और वो मेरी हर काम में हेल्प करता है। आपने हर ब्लॉग में देखा होगा, जहाँ पर भी ज़िया की ज़रूरत पड़ती है वो आकर खड़े हो जाते हैं। और बड़ा बेटा भी करता है, ऐसा नहीं है, वो थोड़ा काम में बिज़ी रहता है, उसका ऑफिस रहता है, उसका काम रहता है, लेकिन जब वो घर में होता है तो वो भी जो है लाजमी ये सारे काम करवाता है। तो जैसे ही हमारा गुड़ जो है गल गया, यानी इसमें हमने आधा गिलास पानी डाला था, गुड़ रख दिया था, क्योंकि आप गुड़ को डायरेक्ट रखोगे ना तो फिर वो गुड़ जो है जलने लग जाता है। तो आधा गिलास पानी में गुड़ करके रख दिया था, और उसके बाद जो है उसमें आटा डाल दिया, और उसके बाद जितना भी जो है काजू बादाम मेवा जो ना खसखस अलसी वाला जो ग्राइंड करके रखा था वो डाल दिया है, और इसे आपको अच्छे से जो है मिला लेना है। और हमने इसमें आधा ही मेवा वगैरह शामिल किया क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाता और आटे की मिकदार कम हो जाती और गुड़ का पाक भी कम हो जाता। तो आधा किलो गुड़ है, और ये देखिए बस इसे हमें अच्छे से 3 से 4 मिनट भून करके फिर एक बर्तन में निकाल लेना है। और ये जो आप पाइप वाइट देख रहे हैं तो ये जो है ताल मखाने हैं, ताल मखाने हमने तकरीबन इसमें जो है आधा किलो डाले हैं। अब बस ये गर्मी गर्म रहेगा, बस आप जल्दी जल्दी इसका जो है हाँ अपनी हथेली की मदद से, उंगलियों की मदद से, अपने हाथ की मदद से लड्डुओं को अच्छे से बांध लेना है। शेप आप अपने मन चाहे अंदाज में दे सकते हैं, छोटा बड़ा जैसा आपको बनाना है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं और हमारे ज़िया भी बनवा दिए हैं लड्डू बैठ करके। पहले वो डर रहे थे कि मेरा हाथ चल जाएगा, हमने कहा कि वो आपको ऐसा लगता है, हम भी तो बना रहे हैं, हमारे हाथ तो नहीं जल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ज़बरदस्त से इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू तैयार हैं। तो आइए आप सब भी इन लड्डुओं को मज़ा ले लीजिए। आप इन्हें शक्कर में भी बना सकते हैं, ब्राउन शुगर में भी बना सकते हैं, बूरे में भी बना सकते हैं, ये आपका दिल है। लेकिन गुड़ में ये ज़्यादा जो है क्या कहते हैं बेनिफिट देते हैं। गुड़ वैसे भी हमारे हाजमे के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, और गुड़ वैसे भी हमें जो है खाना चाहिए। तो ये लड्डू गुड़ में ही बनाइए, कोशिश करिएगा। तो बस ये लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी, आज तो हमने आपको 2-2 रेसिपी दे दी है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यहीं पर हम अपने ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।